चलिए आपको लेके चलते हैं घुमाने के लिए। पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आइए चलते हैं एक नई जगह पे घूमने के लिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं। चलिए पहले पेट्रोल भरवाते हैं और साथ में हवा वगैरह चेक कराते हैं और फिर चलते हैं आगे। वहाँ तो बहुत रश था, यहाँ भी रश है। चलें यहाँ से भी। हाँ, बहुत रश है। एक ये आ गया जी आगे, ये सही लग रहा है। चलो यहाँ से भरवाते हैं, ये सही है, यहाँ रश नहीं है। चलो जी, हवा चेक हो गई और पेट्रोल भी हो गया। चलिए चलते हैं आप आगे। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, रामा मंडी फ्लाईओवर से होते हुए होशियारपुर रोड को कनेक्ट करेंगे। तो ऊपर का जो फ्लाईओवर जा रहा है वो जा रहा है लुधियाना की तरफ। बहुत रश है भाई, बहुत रश है। तो यहाँ से हम अब होशियारपुर रोड पर हो चले हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं होशियारपुर रोड को। तो ये आदमपुर पहुँच गए हम, अब यहाँ से सीधा होशियारपुर और फिर वो जगह जहाँ पे हमने जाना है। गाड़ी के अंदर जैकेट में गर्मी नहीं लग रही? गर्मी लग रही है, अंदर गर्मी लग रही है। अंदर तो जाओ, एसी चला लो। ये देखो छोटा सा ट्रैक्टर जा रहा है ये। बस 10 किलोमीटर होगा यहाँ से होशियारपुर, 10 किलोमीटर रह गया। उसके बाद फिर जो नई जगह है एक, वहाँ पे चलते हैं। पहली बार जा रहे हैं हम भी, कोई नई जगह डेवलप हुई है, जंगल लाइक फील है उसमें, देखते हैं जाके कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। तो जी होशियारपुर पहुंच गए हम और अब यहाँ से हम लेंगे जो चिंतपूर्णी माता की तरफ जाता है रास्ता, वो रास्ता लेंगे। यहाँ से ये राइट को जा रहा है होशियारपुर के अंदर सिटी में और ये सीधा जाएगा माता चिंतपूर्णी मंदिर का जो रास्ता है उस तरफ, जो आगे धर्मशाला की तरफ भी निकल जाता है। ये है जी मेन गेट जहाँ से हमने अंदर घुसना है। जो सामने सड़क दिख रही है होशियारपुर से आ रही है और जा रही है इस साइड चिंतपूर्णी माता का जो टेंपल है उस तरफ। तो इसी रास्ते के ऊपर मेन रोड के इस तरफ साइड पे है ये नेचर रिट्रीट चौहाल, ये उसका एंट्री गेट है। तो यहाँ से चलेंगे आगे, गाड़ी लेके थोड़ा दूर है यहाँ से और आगे पूरा जंगल है और कच्चा रास्ता है। तो यहाँ से लेके गाड़ी चलेंगे, वो सामने से गाड़ी आ भी रही है एक, तो चलते हैं अंदर तक। वो अंदर से दिखाते हैं आपको कि कैसा है अंदर माहौल।
इस साइड से आए हम, चौहाल डैम से लगभग 1 किलोमीटर आगे आना है और मेन रोड के ऊपर ही आपको ये लोकेशन मिलेगी, ये नेचर रिट्रीट चौहाल। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है जगह वो जहाँ हम आए हैं, जंगल के बीच में बनी हुई है ये नेचर रिट्रीट चौहाल, और जंगल ही जंगल है आसपास। अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ है, क्या नज़ारा है वहाँ पे। आइए चलते हैं अंदर। हमने गाड़ी पार्किंग लगाने के लिए बहुत जगह है यहाँ पे, तो ये गाड़ी हमारी इधर खड़ी है, तो अब चलते हैं अंदर। तो ये रास्ते में बने हुए हैं बच्चों के लिए, ये है सफारी, जंगल सफारी करने के लिए। तो अगर किसी ने जंगल के अंदर जाना है तो उसके लिए ये सफारी है। अभी पता नहीं ये ऑपरेटिव है कि नहीं, लेकिन ये खड़ी हुई है यहाँ पे जंगल सफारी। और उस तरफ जो एंट्री है वो प्रोहिबिटेड है अभी, इस तरफ चलते हैं। ये है नेचर रिट्रीट चौहाल। यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है नेचर रिट्रीट चौहाल, जंगल सफारी, ऑफ रोड बाइक, ऑक्सीवाक। और इधर है ये स्पीड बोट, रेट वगैरह भी लिखे हुए हैं, मोटर बोट, मिकी माउस और टेम्पो लाइन, ये सब के रेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। और ये यहाँ पे QR कोड बना हुआ है और लिखा हुआ है मेरी पहचान ले स्कैन करो। वो उस साइड भी है, इसको स्कैन करेंगे तो जो भी ये पेड़ है, पौधा है, जो भी है, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन इसको स्कैन करने पे। ये कोई भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये हैं जी वॉशरूम बने हुए यहाँ पे वुडन के बाहर से। ये रास्ता भी जा रहा है एक साइड को, अंदर को जंगल है सारा, आसपास पूरा जंगल है और एकदम शांत पीसफुल है, चुप है। ये है ATV राइड। ये बैठने की जगह, इस साइड किचन है और हट्स बने हुए हैं। ये दो हट हैं यहाँ पे, अगर किसी ने रात को रुकना है तो वो यहाँ रुक सकता है। यह हट बने हुए हैं यहाँ पे, इसका नाम है खैर, अभी बंद है ये। तो ऐसे वुडन के बने हुए हैं और पीछे ये इधर एक और है शीशम। तो आसपास पूरा जंगल है और पीछे बैक वाटर्स हैं सारे चौहाल डैम के, और पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू बनता है। बोटिंग के लिए काफ़ी नीचे जाना पड़ता है। ये बालकनी भी है इनकी,
जो ये वुडन के बने हुए हैं, और इनका जो रेंट है वो 3750। अच्छा, पीछे ये पहाड़ियां हैं और एकदम शांत और पीसफुल जगह है ये। ये किचन है जी इधर, और ये मीनू, ये क्या है, अभी ऑर्डर किया है चाय का और कुछ सैंडविच नूडल्स का। तो करते हैं फिर थोड़ा चाय नाश्ता और फिर चलते हैं वापस यहाँ से। उधर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में बैठ के भी खा सकते हैं। ये है जी डाइनिंग हॉल, तो अंदर चलते हैं। ये तो सब उल्टा करा पड़ा है। एक्चुअली सर्दी का मौसम है, बाहर ही बैठे हैं, तो यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हैं बाहर का। तो बाहर ही बैठते हैं, बाहर चेयर्स लगी हुई हैं वो सामने। तो ये आ गया जी हमारा चाय नाश्ता, चाय नूडल्स और ग्रिल्ड सैंडविच। ये इधर पंजाबी स्टाइल पूरा गांव बसा हुआ है। ये देखो, मक्की की रोटी और सरसों का साग, लस्सी, गुड़ दी चाह। वाह जी वाह, जंगल में मंगल हो रखा है। ये पंजाबी किचन, यहाँ पे मक्की की रोटी, सरसों का साग और गुड़ वाली चाय मिलती है यहाँ पे। तो ये रसोई है पूरा गांव के स्टाइल में। मक्के की रोटी और साग, मतलब कितने, कैसे प्लेट रहती है? हैं जी, 100 रुपये प्लेट है। कितनी रोटी रहती है उसमें? उसमें दो रोटी रहती है। हाँ जी, टेस्ट ठीक है ये ना खाने का? हैं, अच्छा। ये देखो जी, ये क्या है, ये कुछ लकड़ी के चीज़ें बनी हुई हैं, कैंडल स्टैंड और वुडन लैम्प, फ्रूट स्टैंड वगैरह, और इधर भी बैठने की जगह है, और इधर हट बनी हुई है ये वाली, और बैठने के लिए वही जैसे गांवों में कल्चर रहता है वो सेम बना हुआ है यहाँ पे। और इधर जो पुरानी चीज़ें होती हैं गांव में, जैसे ये मेरे हिसाब से सिलाई मशीन का कवर है, ये पुराना फ़ोन जो लैंडलाइन होते थे, और ये चाटी की लस्सी जिसमें से मक्खन निकालते थे वो वाली, और ये भी कुछ वही है शायद, इसमें रुई वगैरह कुछ करते हैं इसमें, पता नहीं क्या। और ये चक्की होती थी जिसमें कनक वगैरह पीसते थे, वो आटा बनता था। पूरा मतलब गांव का माहौल है यहाँ पे, पूरा गांव का माहौल। ये है जी गुड़ वाली कुल्हड़ वाली चाय, तो हमने सोचा इसका भी थोड़ा टेस्ट करते हैं, मज़ा लेते हैं थोड़ा इसका भी। लो जी, चीयर्स। आंखें खुल गई, बहुत टेस्टी है गुड़ वाली चाय कुल्हड़ में, मज़ा आ गया। उससे ज़्यादा टेस्टी है जो उधर पी थी रेस्टोरेंट में। तो ये था नेचर रिट्रीट चौहाल, ये सारा देख लिया हमने, आपको भी दिखा दिया। अब चलते हैं यहाँ से वापस, उधर खड़ी है हमारी गाड़ी, ये पार्किंग प्लेस है सारी, और चलते हैं गाड़ी तक। आओ जी चलें, घूम फिर लिया और काफ़ी पीसफुल जगह है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, वीकेंड पे भी आ सकते हैं, और सुबह आके वापस जा सकते हैं शाम को, और बच्चों के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, तो बढ़िया है। तो बस चलते हैं, अब मिलते हैं फिर आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।